भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन इंग्लैंड का यह फैसला अच्छा साबित नहीं हुआ और उनकी पूरी टीम ने सिर्फ 48.4 ओवर में 112 रनों पर ही भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। दरअसल भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज भारत के स्पिन गेंदबाजों के चुंगल में एक बार फिर फंस गए। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में इंग्लैंड के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, जबकि युवा स्पिनर अक्षर पटेल ने 6 विकेट झटके। इसके अलावा ईशांत शर्मा ने 1 विकेट लिया। वहीं आपको बता दें, इंग्लैंड के बल्लेबाज तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों के सामने इतने नाकाम दिखे कि उनके 7 बल्लेबाज तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इंग्लैंड की ओर से सिर्फ जैक क्राउली ही 53 रन की अर्धशतक के पारी खेल पाए। क्राउली के अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सका। वहीं चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 227 रनों से हारने के बाद भारत ने इस टेस्ट मैच में कमाल की वापसी की है। भारत ने चेन्नई में ही खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से मात दी थी। इतना ही नहीं, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी को सस्ते में निपटाकर भारत ने इस मैच में भी जीत की नींव रख दी है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।